वेलकम टू मैथ क्लास चैनल। हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास क्या क्वेश्चन है? एवेलुएट हमने करना है आयोटा की पावर 8 है। तो जब आयोटा की पावर 1 होती है तो वो तो सिंपल हो जाता है हमारे पास। यहाँ पर देखो, फिर मैं ओड का भी बताऊंगी कि जब पावर ओड होगी तो क्या करना है। आयोटा की पावर 8 है, मतलब 8 जो है इवन है। आयोटा की पावर इवन होगी तो उसके लिए ये है आयोटा लिख के, यहाँ पर हमेशा 2 लिखो। और अब पावर क्या आएगी इसकी, 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करवाएँ तो 8 आता है 4। तो यहाँ पर हमेशा 2 अंदर आ जाता है। यहाँ पर देख लो कि क्या आना है कि ये नंबर बन जाए मल्टीप्लाई करवाएँ तो आयोटा 2 अंदर आ गया। 2 कितने टाइम, 8 होता है 4 टाइम, तो 4 बाहर आ गया। जैसे यहाँ पर आयोटा 4 था तो आयोटा 2 अंदर आ गया पावर 2। और 2 कितने टाइम, 4 होता है 2 टाइम, तो 2 बाहर आ गया। जैसे यहाँ पर आयोटा 6 को देखोगे तो 2 है, यहाँ पर 2 कितने टाइम, 6 होता है 3 टाइम, तो 3 बाहर आ गया। इस तरह से करना है। ये सारी इवन का भी मैं बात कर रही हूँ। और फिर हमारे पास हो जाता है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। तो हम यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, -1। पावर क्या आ जाएगी, 4 की 4 आ जाएगी। समझ आया? इस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ गया और ये 4 का 4 एज इट आ गया। फिर हमने जो काम करना है वो ये करना है कि -1 की पावर 4 किसके इक्वल होता है। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब आपके पास बेस में माइनस साइन है, पावर इवन है, ओके, जब बेस में माइनस है और पावर इवन है तो आंसर में माइनस नहीं आना। और जब बेस में माइनस है, पावर ओड है, तो माइनस आंसर में आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा है कि पावर इवन हो तो और बेस में माइनस हो तो आंसर में माइनस नहीं आना, ओनली 1 आ जाना। यहाँ पर मैंने प्रूफ भी करके दिखाया, वो आपको दिखा भी देती हूँ। यहाँ पर देखें, जब बेस में माइनस है, साइन माइनस का है, पावर इवन है, पावर सॉरी ओड है, पहले ओड है, तो मैंने क्या बोला, आंसर में माइनस आएगा। तो ये आंसर है, तो माइनस आ रहा है। क्यों? देखो, -1 है की पावर 3 है, तो इसको 3 टाइम्स लिख लो -1 को। फिर नंबर्स मल्टीप्लाई 1 1 1 होते भी जाएंगे तो 1 ही आता जाएगा, साइन भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, -, -, ++, -, -। और जब बेस में माइनस है, पावर इवन है, तो हमारे पास आंसर में माइनस नहीं आना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि प्लस आना है। तो -1 की पावर 2 है, इवन है, तो -1 को मैंने 2 टाइम लिख लिया क्योंकि पावर 2 थी। और -1 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करवाया, 1 आ गया। और -, -, + आ गया तो +1 आ गया। यहाँ तो पावर छोटी है तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करके देख रहे हो। अगर पावर बड़ी आ जाए तो इतना रूल ये काम आता है कि आप डायरेक्ट फिर करते हो, आपको मल्टीप्लाई करके नहीं देखना पड़ता। ये तो बात सारी हो गई कि इवन पावर होगी तो क्या करना है, अगर ओड आ गई तो क्या करना है। ओड होगी तो पहले आपने पावर को ना 1 माइनस कर देना है, तो 3 में से 1 को माइनस करो, मतलब 2, एक आयोटा 2 लिख लो और एक आयोटा लिख लो, मतलब इससे पिछली पावर लिखो तो आयोटा 2 आ जाएगा और एक आयोटा आ गया, क्योंकि ये आयोटा 2 और आयोटा जो 1 है, पावर वो आयोटा क्यूब के इक्वल होता है। फिर क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल हो गया, ये आयोटा आ गया, इनको मल्टीप्लाई करवाया और ये आ गया। इसी तरह ये पावर इवन, यहाँ पर ऑड, ऑड की बात कर रहे हैं तो आयोटा 5 से पीछे आयोटा 4 आ जाएगा और एक आयोटा आ गया। तो यहाँ पर आगे वही काम है कि यहाँ पर 2 ही लेना है, 2 कितने टाइम, 4 होता है 2 टाइम। और फिर डॉट आयोटा आ गया और आयोटा स्क्वायर -1 की इक्वल है, यहाँ पर यह आ गया, 2 पावर आ गई, इसको सॉल्व किया, इससे मल्टीप्लाई करवाया, आंसर आ गया। तो मैंने और बार बहुत सारी वीडियोज़ बनाई हुई हैं आयोटा के क्वेश्चन पर, आप चेक कर सकते हैं। इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ, वहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर।